नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं ट्राइबल किचन। इस प्रोग्राम में हम आपको आदिवासी भारत में ले जाते हैं और बाकी चीज़ों को समझने के साथ साथ उनके खाने को भी हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। आज हम लखनपुर नाम के गांव में हैं। ये मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में हैं और इस गांव की खासियत ये है कि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। काफ़ी लंबी कहानी है इस गांव की। एक वक्त में ये बहुत बड़ा गांव था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा साप्ताहिक बाज़ार लगता था। वो कहानी अलग से आपको सुनाएंगे, डिटेल में सुनाएंगे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन आज ट्राइबल किचन में हमारे लिए क्या पक रहा है, कौन पका रहा है वो बताते हैं। दुर्गा मेरे साथ हैं। दुर्गा ही है ना आपका नाम? हाँ, दुर्गा। तो दुर्गा क्या पकाने वाली हो? मछली। मछली दिखाइए उठा के। कौन सी मछली है ये? वो कोबरा है। हाँ? वो कबरा। कबरा करने बोले करे सिंगाड़ा। कोबरा। हाँ? सिंगाड़ा। सिंगाड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। एक ही कांटा होता है इसमें? एक ही कांटा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये नर्मदा नदी से पकड़ी हुई मछली है? हाँ, नर्मदा नदी से। तो आपके पापा पकड़ के लाते हैं? हाँ, पापा पकड़ के लाते हैं। तो ये दरअसल मैंने बताया कि पानी से घिरा हुआ गांव है और नर्मदा का पानी है ये इस गांव के चारों तरफ जो है। नर्मदा को गंगा की तरह ही इस इलाके में बहुत पवित्र नदी माना जाता है, उसकी ये मछली है। तो शुरू करें? तो सबसे पहले क्या करेंगे? कढ़ाई टंगाएंगे। कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो कढ़ाई चढ़ा दी जाए? चढ़ा दीजिए। बहुत बढ़िया। और उसके बाद इसमें डालेंगे तेल। तो आप मुझे बताती जाइएगा ये जो सामान रखा है, मैं आपको पकड़ाता रहूंगा। लीजिए, सरसों का तेल है। हाँ, सरसों। कढ़ाई काफी गर्म हो गई है लग रहा है। हाँ, वेरी गुड। तो इस सिंघाड़ा मछली को क्या बोलते हैं आप लोग? सिंघाड़ा बोलते हैं। हाँ? सिंघाड़ा नहीं, हम कोबरा बोलते हैं। अपनी भाषा में क्या बोलते हो? कोबरा बोलते हैं। कोबरा। कोबरा। कोबरा और कटिया का बोलते हैं। कोबरा या कटिया? कटिया भी बोलते हैं। हाँ, इससे छोटा कटिया। कटिया इससे छोटा होता है। हाँ। इसको कोबरा बोलते हैं। तो दुर्गा, तुम कब से खाना बना रही हो? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए? छोटी सी तो तुम हो। बहुत साल, कितने साल हो गए? कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 17 साल। 17 साल हो गई। और करती क्या हो तुम? यही खाना बनाती हूँ। मतलब स्कूल नहीं जाती हो? नहीं, यहाँ स्कूल ही नहीं है ना, और प्रॉब्लम भी बहुत है। स्कूल नहीं है? कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? 9th क्लास तक। नानी के यहाँ से रह के पढ़ी है। अच्छा, नानी के यहाँ पे रह के पढ़ी थी। यहाँ पे क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ परेशानी है, पानी भी भरा है, रोड भी नहीं है। अच्छा, पानी भरा है, रोड भी नहीं है। हो गया, हो गया। क्या चाहिए? जीरे डालेंगे जी। जीरा डालेंगे? ये लीजिए। क्या बात है, साबुत जीरा। बहुत बढ़िया। वो लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक कुटा हुआ? हाँ। बहुत बढ़िया, बताती रहिएगा मुझे जो जो डाल रही हैं। बहुत सही, क्या बात है। इसके बाद क्या डालोगी? प्याज। प्याज पिसा हुआ? अच्छा अच्छा लहसुन लाल हो जाएगा तो उसके बाद है? हाँ, उसके बाद डालेंगे। तो तुमने किससे सीखा खाना बनाना? मम्मी से सीखा है। मम्मी से? हाँ। तो मछली के अलावा क्या क्या बना लेती हो? सब कुछ, दाल चावल। हाँ, तुम्हारा फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट? हाँ, दाल। दाल? दाल और चावल। प्याज। प्याज। और तुम्हारे पापा का फेवरेट क्या है? पापा का फेवरेट मछली है। मछली है। मटन और मुर्गा नहीं खाते हैं? कभी कभार, महीना में एक आध बार। एक आध बार नहीं, तो मछली खाते हैं। मछली रोज खाते हैं? नहीं, हफ्ता में एक बार। हफ्ता में एक बार? तुम्हारे यहाँ तो रोज मछली आती, तो रोज क्यों नहीं खाते हो? रोज अच्छी नहीं लगती। अच्छा, लेकिन सेहत के लिए तो अच्छी होती है ना मछली? हाँ, अच्छी होती है।
मुझे रोज मिलेगी तो मैं रोज खा सकता हूँ रोज। हाँ, मेरी बीवी बंगाली है ना, उसको मछली बहुत अच्छी लगती है, तो लेकिन रोज तो हम भी नहीं खा पाते हैं। तो मछली पकड़ने किस टाइम जाते हैं? शाम 5 बजे। 5 बजे, और कब तक वापस आ जाते हैं? 7 बजे आ जाते हैं, जाल डालने जाते हैं, फिर सुबह टाइम उठाने जाते हैं। अच्छा, रात को जाल लगाते हैं, शाम को सुबह टाइम उठाने जाते हैं। सुबह के टाइम उठाने जाते हैं, तो कितने बजे जाते हैं सुबह? सुबह 5 बजे। 5 बजे तुम जग जाती हो? 5 बजे? हाँ, सोती रहती होगी? नहीं, जग जाते हैं। तो क्या करती हो इतनी जल्दी उठ के? पापा लोग जाते हैं ना। हाँ, जग जाते हैं। अच्छा, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाती हो? हाँ। चाय तो मम्मी बनाती होगी? नहीं, मम्मी नहीं बनाती। तो मम्मी क्या करती है? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना अभी। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम हेल्प करती हो मम्मी को? हाँ, मम्मी और पापा जाल डालने जाते हैं। अच्छा, मम्मी जाती है जाल डालने साथ? हाँ, जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो मछली बिक जाती है तो पैसा पापा अपने पास रखते हैं ना, मम्मी के पास रखते हैं? मम्मी को दे देते हैं। मम्मी को दे देते हैं? ऐसे कम ही पापा होते हैं वैसे, हैं? दे देते हैं या तुम मुझे बहका रही हो? नहीं, दे देते हैं। दे देते हैं, वाह, बहुत अच्छा। ये तो तुम्हारा आगे पढ़ने का मन नहीं हुआ? नहीं, वहाँ से ना दूर पड़ रहा था। दूर पड़ रहा था, साधन भी नहीं था वहाँ। पाँच किलोमीटर दूर? ओ, पैदल आना जाना पड़ता था। वैसे भी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है। वाह, तो अभी तक इसमें प्याज डाला है और अदरक लहसुन कुटा हुआ, जीरा। हाँ। टमाटर? टमाटर लीजिए, टमाटर पीस लिया है आपने? हाँ, मसाला टमाटर बना रही नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे केशव, अरे तेल अलग हो गया है मसाले से? हाँ, इसका मतलब अच्छे से पक गया है। वाह, और रंग भी बहुत अच्छा आ गया है। दुर्गा, भूख लग गई बहुत तेज। भूख लग गई, और जैसे जैसे इसकी खुशबू आ रही है भूख और बढ़ती जा रही है। पहले चूहे कूद रहे थे, अब जोर से कूद रहे हैं। जोर से? हाँ। तुम्हें पता है चूहे की चटनी बनती है? कितनी गंदी लग, गंदी लगती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। नहीं रहती। हाँ, कितना तो बुरा मां खाता है चूहा। चूहा जो जंगल का चूहा होता है ना, उसकी चटनी बनती है। हमने, हाँ, हमने जंगल में खाई थी, बस्तर में। दुर्गा सोच रही है मेरी रसोई से निकाल दूं इसको अभी। है ना, सोच रही है ना? नहीं है? बहुत बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है उसकी, चींटी की भी बहुत अच्छी चटनी बनती है, जानती हो? जैसे मसाला, इमली की चटनी होती है ना, इमली की, उतनी खट्टी होती है। पानी, क्या क्या है इसमें डालते वक्त बताते रहना, है ना? मिर्ची, ये मिर्ची कुछ अलग रंग की लग रही है। ये वाली भून के डाली है ना मिर्ची? अच्छा, मिर्ची को पहले भूना है? हाँ, फिर डाला है। अच्छा 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 अच्छा, पहले मिर्ची को भूना फिर पीसा है? वाह, और उसमें थोड़ा पानी मिला के रख दिया पहले से? हाँ जी, हल्दी है। हल्दी, भुनी हुई मिर्ची को पीसा और उसके बाद हल्दी।
जी भूंजी हुई धना है और धनिया को भी भून लिया है पहले। हाँ। वाह क्या बात है। ये भुना हुआ गरम मसाला, ये भुना हुआ गरम मसाला है, क्या बात है। पानी ला दे डब्बे में तब। बहुत बढ़िया। आप पानी ला ले आप करी के लिए। जी वरना साला वाला डाल दो पानी हल्का सा आराम से। तो सारे जो अभी तक इसमें मसाले, चाहे वो लाल मिर्ची है, चाहे वो सूखा हुआ धनिया है, चाहे वो गरम मसाला है, सबको पहले भून लिया गया है, अच्छे से करारा कर लिया गया है, उसके बाद उसको फिर पीसा गया है और दरदरा पीसा गया है। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया गया है, आप उसको छुएंगे तो महसूस कर पाएंगे, थोड़ा सा दरदरा उसको रखा गया है। कढ़ाई में भी आप उसका देख सकते हैं, उसके कण आपको नज़र आएंगे, उसका टेक्सचर आपको नज़र आएगा और कितना सुंदर रंग इसका बन गया है। तो दुर्गा अब तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, मछली बनने में तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, नहीं लगेगा। उसके बाद चावल रोटी तैयार है। वाह क्या बात है। वो तो मम्मी ने बनाया होगा दुर्गा की ना। दुर्गा ने बनाया है। दुर्गा तुम्हें फंसाने की तैयारी हो रही है मुझे लग रहा है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना बनाना सिखा रही है क्योंकि वो तुम्हारी शादी करेगी। अब नहीं है ऐसा ना। नहीं क्या क्या करोगी, शादी नहीं होगी तो नहीं रहेंगे मम्मी के पास। मम्मी के पास रहोगी और मम्मी ने बोला कि शादी कर लो तो तो मम्मी बोलेगी तो करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा लेकिन अभी तो नहीं बोलेगी ना मम्मी, अभी तो तुम 17 साल की हुई हो। हाँ मम्मी नहीं बोलेंगे। 18 साल से पहले तो ऐसे भी नहीं कर सकते कानूनन। हाँ। भी अच्छा नमक डालना है ना। हाँ। डाल दो नमक। देख लीजिएगा नमक मैंने। हाँ अगर कम ज़्यादा हुआ तो बाद में ले लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा कम ही डालते हैं ना? मुझे लग रहा है थोड़ा नमक और चाहिएगा, बाद में डाल लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। हमारे यहाँ सब नमक कम खाते, पापा बस ज़्यादा तेज खाते। अच्छा बाकी सब नमक कम खाते हैं। वैसे नमक कम खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ज़्यादा नमक, उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा आपको ज़्यादा नमक खाने की आदत पड़ गई। हाँ। तो हमेशा खाने में अलग से नमक लेते हैं। क्या बात है। अच्छा ढकना है अभी। वाह बच्ची धुली खाएंगे। हाँ मैं तो जैसे तुम्हारे ना कार का फाइनेंस करके धोकर नीस ले आ रहा हूँ। मच्छी डाल दो। वाह तेल बिल्कुल अलग हो गया है, बहुत बढ़िया भुना है मसाला, बहुत सुंदर कलर आ गया है उसका। मच्छी डाल दो, भुना दो, भुजन दो, मसाला डाल दो। तो पापा भी कभी कभी बनाते हैं खाना? हाँ बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं जब बनाते हैं तो? मछली। मछली कैसे बनाते हैं? क्या उनकी हाथ की बनी हुई मछली तुम्हें कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो पापा अच्छी बनाते हैं या मम्मी अच्छी बनाते हैं? पापा। पापा दोनों बना लेते हैं लेकिन पापा ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। तुम्हारी बातों से धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि तुम्हारा झुकाव पापा की तरफ ज़्यादा है, है ना? बेटियां पापा के थोड़ी ज्यादा करीब होती हैं। मच्छी डाल दो, भुंजे लपट जाए मसाला। मच्छी डाल बता दो। हाँ डालिए डालिए मच्छी ठीक है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा पानी से क्या फर्स्ट क्लास हो गया पानी जग में दिया हल्का सा ना। इस मछली में कांटे कम होते हैं ना? हाँ कांटे कम होते हैं।
तो आप कम कांटे वाली ही खाते हैं या हमारे वजह से कम कांटे वाली बनाई है? अच्छा अच्छा अच्छा, कांटे वाली भी खा लेते हैं, कांटे वाली भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेता हूँ कांटे वाली। लेकिन ये जो है ना मेरा दोस्त अरविंद सिंह साके, ये नहीं खा पाता कांटे वाली, ये बच्चों की तरह दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके काटता है। अभी जब खाएगा देखना, ऐसे ऐसे कांटा निकालेगा अभी। हाँ, और अगर कांटा निकल जाए ना थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए तो रोने लगता है बच्चों की तरह। क्या सर, इतनी मेहनत करवाई, उसमें इतना कांटा था, आज खुश हो जाएगा। कांटे वाली भी खाना चाहिए, खाने चाहिए ना। ये मेहनत का कोई काम नहीं करना चाहता है। दुर्गा, कितना टाइम लगेगा इसमें? नहीं, हो गया। हो गया, दिखाइए खोल के। हा हा हा, इसमें धनिया डालेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत थोड़ा सा डाला लेकिन उसके बावजूद इतनी अच्छी खुशबू आई है धनिया की, डालती एकदम देसी धनिया लग रहा है ना। तो दोस्तों, मछली पक्के तैयार है और अब इसका स्वाद चावल के साथ चखा जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि ये कैसी बनी है। हाँ है ना पानी, बस 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 बस, थैंक यू दुर्गा। तो दोस्तों, दुर्गा ने बहुत मेहनत करके बहुत मन से जो मछली पकाई है वो मेरे हाथ में है और उसके साथ चावल और रोटी दुर्गा ने दोनों ही हमें परोसा है। तो पहले चावल के साथ इसका स्वाद चखा जाए। जहाँ तक इसकी खुशबू का सवाल है उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, इसका स्वाद लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसका स्वाद कैसा बना है। वाह, दो पीस दुर्गा ने मुझे अच्छे वाले दे दिए हैं। लेकिन मछली खाने का मज़ा हाथ से ही है, हालांकि दुर्गा ने मुझे स्पून दी है। हैं दुर्गा, थैंक यू दुर्गा। वाह दुर्गा, तुमने खाना खाया है? खा लिया है। दोपहर को क्या खाया तुमने? बेसन चावल। बेसन चावल, वो कैसे बनता है? वो छोटे छोटे टमाटर रहते हैं ना, उसमें डाल के बनाते, बहुत अच्छा खट्टा लगता है। हम लोग
कई साल से आदिवासी भारत में घूम रहे हैं और कई बार हमें तरह तरह से बनाई गई मछली खाने का मौका मिला है। भून कर बनाई गई मछली, पत्तों में पकाई गई मछली, भाप से बनाई गई मछली, लेकिन आज ये जो मछली बनी है ये बहुत ख़ास है। इसमें जो पहला फ़र्क है वो है इसकी खुशबू, और दूसरा फ़र्क ये है कि जैसे ही आप इस मछली की जो करी है उसको जैसे ही आप चावल के साथ खाते हैं आपको बिल्कुल एक अलग तरह का अरोमा मिलता है, एक अलग तरह का एहसास होता है और अलग तरह का स्वाद भी मिलता है। उसकी वजह ये है कि दुर्गा ने जितने भी मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं उनको पहले रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद मसालों को पीसा गया, उसमें पानी मिला के उसके बाद इन मसालों को इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद एक और चीज़, जब भी आप आदिवासी भारत में जाएंगे तो महसूस करेंगे कि यहाँ पर जो खाना बनता है, ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, कि बहुत अच्छे से मसालों को भुना जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया जाता है, उसमें जलने नहीं दिया जाता है, लेकिन बहुत अच्छे से भुना जाता है और उसकी बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इस मछली की मैं क्या तारीफ़ करूं? ये गांव चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और आप जब यहां बैठे होते हैं तो लगातार आपके कान से एक आवाज़ टकरा रही होती है और आपको लगता है आप कहीं बीच पर बैठे हुए हैं, समंदर के किनारे बैठे हुए, इतना पानी है। और वो जैसे मैंने कहा कि ये एक टापू है, ये गांव लगातार इस ये छोटी सी पहाड़ी पे बसा हुआ गांव है और लगातार वो पानी इस पहाड़ी से टकराता रहता है। तो उस पानी से पकड़ी हुई ये मछली ताज़ा, बिल्कुल मक्खन की तरह घुल जाती है। जैसे शुरू में दुर्गा ने बताया इसमें कांटे बिल्कुल नहीं होते, एक कांटा होता है। तो अगर आप मछली खाने में घबराते हैं तो भी इस मछली को मज़े से खा सकते हैं। तो राइस के साथ हमने टेस्ट किया, थोड़ा रोटी के साथ भी देखते हैं। बहुत ही कमाल, बहुत ही गजब का स्वाद है। आप इसे रोटी के साथ खाना चाहें रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाना चाहें राइस के साथ खाएं। बहुत ही कमाल का है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ मन लगा के आपको बनाना है। दुर्गा, आपके लिए मेरे मन से लगातार दुआएं निकल रही हैं और निकलती रहेंगी। बहुत स्वादिष्ट आपने बनाया है, बहुत ही इसको मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा बना है, है ना। और चावल के साथ भी और रोटी के साथ भी, दोनों के साथ खाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, है ना, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। और दुर्गा, आओ कभी दिल्ली मम्मी पापा को लेके, है ना, मैं अपना नंबर दे के जाऊँगा, तो आइए हमारे घर, है ना। वाह, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप भी दुर्गा को दुआएं दें। मैंने कहा ना थोड़ा तीखा है, आप भी दुर्गा को दुआएं दें। और दुर्गा ने जैसे मछली बनाई है, मछली बनाकर खाएं तो लोग आपको भी दुआएं देंगे जब आप उनको इतनी अच्छी मछली बनाकर खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।